अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी लिखने की स्पीड बहुत स्लो है और इसके कारण आप अपना एग्जाम पेपर पूरा नहीं लिख पा रहे हैं और लिखना आपको एक बोरिंग काम लगता है, तो आज इस वीडियो में क्विक सपोर्ट आपको बताएगा जल्दी लिखने का एक तरीका, वन वे टू राइट क्विकली। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेंगी। अच्छा लेखन लिखने में समय लगता है, ये बात सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तेज गति से लिख नहीं सकते। जब आप सही आदतों और मानसिकता को अपनाते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि आप कितनी तेजी से लिख सकते हैं। हमने आप लोगों के लिए लेखन को तेज करने के बारे में बहुत रिसर्च किया है और हमने कुछ सरल ज्ञान युक्त युक्तियाँ आपके लिए तैयार की हैं, जो आपकी लिखने की स्पीड बहुत तेज बना देगी। टाइमर को सेट करके लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। टाइमर को सेट करके लिखने का तरीका सबसे वैज्ञानिक तरीका है अपनी लिखने की स्पीड को बढ़ाने का, क्योंकि हम जब भी कोई चीज लिखते हैं तो सबसे पहले उस लिखावट को हम दिमाग में सोचते और बाद में हम कागज पे लिखते हैं, लेकिन हम जितनी जल्दी सोचते हैं उतनी तेजी से लिख नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी हमारी उंगलियों के मसल्स को इतना ट्रेन नहीं किया है कि वो एक न्यूरो पाथवे में क्रिएट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, न्यूरो पाथवे, और हम आपको न्यूरो पाथवे के बारे में थोड़ा बताएंगे ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। न्यूरो पाथवे आपके मस्तिष्क से दूसरे अंगों तक संकेत भेजने के लिए साथ जुड़े हुए न्यूरॉन्स की एक श्रृंखला होती है, जो बॉडी के हर एक अंग को ट्रेंड कर सकती है, और ये न्यूरो पाथवे क्रिएट होता है टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने से। और आप जितनी टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, हमारे दिमाग से उतनी ही तेज गति से उस अंग को संकेत भेजने की क्षमता बढ़ जाएगी और आप तेज गति से लिख सकेंगे। और अब हम आपको बताएंगे कि आपको तेज गति से लिखने के लिए न्यूरो पाथवे किस तरह क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको एक आधे घंटे का टाइमर सेट करना है और उसमें से आपको 25 मिनट तक बस लिखते ही जाना है, और उसके बाद आपको बचे हुए 5 मिनट का ब्रेक लेना है ताकि आपकी उंगलियों को रेस्ट मिलता रहे। और याद रहे, रेस्ट ज्यादा न हो जाए, क्योंकि आपको लगातार 2 घंटे तक ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है, और ये ट्रिक आपको एक वीक तक लगातार इस्तेमाल करनी होगी, और दूसरे वीक में आपको 5 मिनट के ब्रेक को हटाकर लगातार 2 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। इससे आपकी उंगलियों के मसल तेज गति से लिखने के लिए ट्रेंड हो जाएंगे और न्यूरो पाथवे क्रिएट हो जाएगा। और हमारी ये ट्रिक आपको हार्ड जरूर लगेगी, लेकिन उसे फॉलो करके देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आपकी लिखने की स्पीड इतनी बढ़ गई होगी कि आपका कितना भी बड़ा और लंबा एग्जाम पेपर क्यों न हो, आप आसानी से उसे कम समय में पूरा कर पाएंगे। और किसी भी टाइप की पेन यूज करेंगे, उसका कोई भी असर आपकी लिखने की स्पीड पर नहीं पड़ेगा, और आपकी लिखने की स्पीड कभी भी स्लो नहीं होगी। आपकी लिखने की स्पीड बढ़ाने का ये न्यूरो पाथवे का एक ही तरीका काफी है। और हम उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।